हाल बाबू ठीक बाबू ठीक बा। आप जब सुना रहे थे हमको कथा, हम यही चाह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य, मतलब सत्य कहते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ तीन घटना हुआ है। पहले घटना कि मैं बिना वीजा के एक बार यहाँ आ गई। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची तो मेरा वीजा वहां से खत्म था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आप पीआर हो और आपका पीआर एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब कोई वीजा नहीं आपके पास। तो रात को 2 बजे कैनबरा में वहां से फोन किया गया, बता कहते नहीं स्टिल शी कैन कम, वो आ सकती है। हाँ, तो यहाँ आके 28 दिन का मेरे को पेपर मिला, तो मेरे को मैं आ गई बिना वीजा के। पहली। दूसरी घटना, अभी 3 महीना में इंडिया रह के आई हूँ, 2 हफ्ते पहले मुझे सपना आ रहा है नीम करौली बाबा का। हाँ। और मैं एक बार आया मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार आया मैं फिर अगस्त में जा रही हूँ सिर्फ दर्शन के लिए 2 हफ्ते के लिए। सिर्फ बाबा का फोटो लगा। और तीसरी घटना, लोग लगे हुए थे बहुत टाइम से यहाँ पर आने के लिए सा, मुझे मैं 2 दिन पहले पता चला है कि बाबा आ रहे हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं, मेरी एक दोस्त है यहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि चलना है बस। वो कहती है नहीं नहीं मिले। मैंने कहा मिलेगा कैसे नहीं, चल वहाँ पे चल के अपना काम करेंगे, मिलेगा बाबा हमको मिलेंगे। और मेरा विश्वास, और आप देखिए मुझे अपने पास बुला कर आपके तो तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। नहीं टूटता, बजरंग बली तोड़ते नहीं है मेरा विश्वास। वाह, ताली बजा कर धन्यवाद। बहुत बिहार में कहा से छपरा घर बात तो कोनो बात का डर बा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बजरंग बली मेरा नहीं किया अभी तक। बहुत शुक्र, ये मेरा विश्वास, ये भरोसा तुम्हारा और सबका बना। चलो बाबा बोलो, तब तक माइक लाओ इस बच्ची को, तुम बहन वहां पहुंच जाओ। वहाँ पे पहले वो टोपी वाले जो दादाजी बैठे हैं, भैया बैठे जी, आप बहुत देर से हाथ मिस कॉल मार रहे थे जी। महात्मा बोलो। सबसे पहले तो आपका सादर प्रणाम करते हैं, और आपने जो यहाँ आके मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को धन्य किया, हमारे आपके सपने बिल्कुल एक हैं। मैं वैदिक ग्लोबल से हूँ, हमारे बहुत से वॉलंटियर यहाँ पे हैं, हमारी विदुषी प्रेमहंस जी भी आगे बैठी हुई हैं। हम लोग यहाँ पे सबको एक करना चाहते हैं सनातन के अंदर। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो बाबा। सच में करना चाहते हो? सच में करना चाहते हो? कौन कौन संकल्प में शामिल है? सारे शामिल, सारे शामिल हैं। सभी हिंदुस्तानी पक्का? पहले हम सनातनी हैं, फिर कुछ और हैं। वाह, आपने आपने जो ये जोश भर दिया है हम लोगों ने, अब हमें पक्का है कि हम ये ऑस्ट्रेलिया में तो कम से कम सब हिंदुओं को एक सनातनी के वैदिक के अंदर एक कर पाएंगे, और उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि बहुत ज्यादा कोई पर्सनल क्वेश्चन ना बता के आप कोई धार्मिक या आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछिए, जिससे हम सबको बहुत फायदा हो। बहुत सुंदर, इस ब्रांड में भी बहुत सुंदर प्रश्न हुआ। वाह, आज जय श्री राम। जय श्री राम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मेरा नाम राहुल गौतम है, मेरे माता जी सीता गौतम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम नवंबर में वहाँ पर गए थे बागेश्वर धाम। हाँ जी, तो आपके दर्शन नहीं हुए थे। अरे क्यों? तो आप भी उसी दिन पहुंचे जिस दिन हम पहुंचे, और हमारा वापसी आने का प्रोग्राम था जल्दी। हम कहीं गए होंगे, बहुत घुमक्खड़ बाबा। मेरी माता जी को आपके दर्शन करने थे, वो नहीं हुए तो उनका मन बहुत उदास था। अरे ना। पर ये देखिए, माँ को आगे भेजो हमारे पास, माँ इधर आओ हमारे पास। आप हाथ पकड़ के कोई नहीं था, ये मेरी बहन है। हमें लगता है इन्हीं की भक्ति के कारण हम यहाँ आए। इसमें कोई शक नहीं, पढ़ा सच बताएं, हमको भारत छोड़ना पसंद है। मेरा प्रश्न था, मैंने माता जी से भी पूछा था, 10 दिन पहले मैंने इनसे वार्तालाप करा था, तो मैंने पूछा था दशरथ जी को हिरण पे तीर चलाने की क्या जरूरत थी, वो तो मांस नहीं खाते होंगे। बहुत सुंदर, ताली बजा कर धन्यवाद दो। कथा आप तब की बता रहे हैं जब सुमन
कुमार को लगा था शब्दवेदी बाण, तब की कथा की आपने चर्चा को कोड किया। शास्त्रों में कई जगह पर ऐसे वृत्तांत मिले हैं और आप लोगों का मन भी कई बार प्रश्न ऐसा करता होगा, जब अहिंसा परमो धर्मा की चर्चा है तो हिंसा क्यों? हम आपको बता दें, दशरथ जी राजा है और क्षत्रिय का धर्म है तीरंदाजी, तो वहां पर राज धर्म का पालन करने के लिए दशरथ जी ने उस बाण को चलाया था। परंतु महाराज दशरथ ब्रह्म के पिता है और प्रभु श्री राम ब्रह्म है, इनके हाथों से लगे हुए तीर से उद्धार ही होना है। ये खाने का कहीं वर्णन नहीं कि वो खाते, अपितु क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर को चलाया है, उद्धार करने के लिए तीर को चलाया है। इसलिए हम आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहें कि कहीं पर भी ऐसी कथा आपको स्पर्श में मिलती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जीवों की हिंसा करें, क्योंकि आप मार सकते हैं पर उद्धार नहीं कर सकते। दशरथ जी ने तीर ना चलाया होता, उनको श्राप नहीं मिलता कि तुम्हें भी पुत्र वियोग होएगा, तो राम जी शायद वनवास ना जाते। पर राम अगर वनवास ना जाते तो राम भगवान भी ना बन पाते। राम बन गए तभी तो बन गए, राम बन गए तभी तो बन गए, ना राम बन जाते ना राम बन पाते।